हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी बेटर होंगे। हिंद एसेट ग्रुप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपरली दिखाने वाला हूं एसपीआर रोड से जो रोड निकलती है, न्यू एसपीआर रोड इसको बोलते हैं, जैसे कि सेक्टर 75A होते हुए सेक्टर 76, जैसे वाइट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, आगे जाकर 77 होते हुए 77 से राइट जाकर आपको NH8 से कनेक्टिविटी हयात होटल के पास जाकर ये रोड मिलती है, यानी कि एसपीआर से NH8। ये प्रॉपरली आज आपको ड्रोन के थ्रू एनालिसिस कराने वाला हूँ। बाकी इस के बीच में जो भी प्रोजेक्ट आएगा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ। बाकी आपको गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको परचेस करना हो या बेस्ट डील चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर पर। बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे एंड SPR रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड न्यू गुड़गांव ऑल्सो, तो सारे जो भी गुड़गांव के अंदर 115 सेक्टर हैं, कहीं भी आपको कोई भी रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। तो बाकी मैं अब चलता हूँ ड्रोन शॉट्स पे एनालिसिस कराता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ अब ड्रोन शॉट्स पे। तो कुछ इस तरह का आपको व्यू दिख रहा है सामने। ये रोड जो सामने दिख रही है SPR साउदर्न फेरीफेरल रोड, सामने राइट साइड में जो प्रोजेक्ट है M3M का कॉर्नर वॉक है, ऊपर में रेजिडेंशियल है, इधर में ऑफिस स्पेस है, रेजिडेंशियल है, स्काई वॉक करके है। उसके बाद जो SPR रोड है क्लोवर लीफ से स्टार्टिंग है, जैसा कि स्क्रीन पर क्लोवर लीफ का व्यू दिख रहा है, एक अच्छा व्यू क्लोवर लीफ का। एंड सामने इस न्यू SPR रोड है जो कि काफ़ी ग्रीनरी है। राइट साइड में जो सेक्टर है सेक्टर 75, जो कि मोस्टली आपको इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है 75, एक अच्छा व्यू यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक अच्छा लोकेशन है, एक अच्छा लैंड बैंक के साथ। राइट साइड में जो सेक्टर है 75A है, जहाँ पे मोस्टली कमर्शियल सेक्टर है, और ये सामने जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये राइट साइड में कोरोना का प्रोजेक्ट है, और ये राइट साइड में जो सेक्टर है 75A, लेफ्ट साइड में जो सेक्टर है 75 सेक्टर है, मोस्टली इंस्टीट्यूशनल बिल्ट है। और आगे चलने के बाद अरावली की पहाड़ी आपको दिख रही होगी जो कि ग्रीनरी है। इस एरिया में अलग अलग बिल्डर का प्रोजेक्ट है, जैसा कि वाइट लैंड का प्रोजेक्ट है, और सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं राइट लेने के बाद यहाँ से वाइट लैंड का प्रोजेक्ट आप जाएंगे, वाइट लैंड का जिसमें लो राइज रोड भी है, हाई राइज भी है, उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये वाली भी रोड आप देख सकते हैं, एक अच्छी कनेक्टिविटी इस लोकेशन पे, आने वाले टाइम में और भी बेटर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, एक अच्छा लैंड बैंक के साथ, यहाँ पे अलग अलग बिल्डर की प्रॉपर्टी है। तो इस लोकेशन की मेन खासियत है राइट साइड में जो सेक्टर है 75A, जो कि कमर्शियल सेक्टर है, सामने कोरोना का प्रोजेक्ट है, उसके बाद और भी बिल्डर का यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अभी आप भी आगे आपको चलूँगा जो कि DLF का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसके रिगार्डिंग भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग स्टार्ट है, DLF का प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग पे ही मोस्टली सोल्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि लॉन्च होते होते उसमें इन्वेंट्री आपको नहीं मिल पाती है। तो ये रहा आपको न्यू SPR रोड का व्यू, दोनों साइड आप व्हीकल मोमेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी अभी ग्रीनरी है, लैंड यहाँ पे खाली है, अलग अलग बिल्डर की के प्रोजेक्ट हैं जो कि काफ़ी कुछ स्टॉक भी प्रोजेक्ट हैं। तो ये सेक्टर आप देख सकते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट। और राइट साइड में जो सेक्टर देख रहे हैं सेक्टर 76 है, 76 सेक्टर। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं अरावली की पहाड़ी है, ग्रीनरी है, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और एक पेटर कॉन्सेप्ट है, 1000 एकर की ग्रीनरी है लेफ्ट साइड में, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है लेफ्ट वाले जो सेक्टर में, लेफ्ट वाली जो रोड जाती है यहाँ से, जो कि व्यू देख रहे हैं आप, यहाँ से आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे, हॉर्स राइडिंग एंड अलग अलग चीज़ें अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि नेचुरली जो आप चीज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ की बेस्ट है। सामने आपको M3M की गैलरी है सेक्टर 77, यहाँ पे M3M का भी प्रोजेक्ट है, गोल्फ हिल्स के नाम से सेक्टर 79 में है। ये लेफ्ट साइड में जो सेक्टर आप देख रहे हैं
सेक्टर 77 गैली है और एक पैटर्न कॉन्सेप्ट यहाँ से एक अच्छा लैंड बैंक के साथ ये व्यू आप देख सकते हैं। राइट साइड में जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये गैली M3M की गैली है जो कि 77 में है। यहाँ पे गोल चक्कर ये वाला रोड है, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप SPR रोड पर, राइट जाएंगे तो आप NH8 पर भी जाएंगे। आगे जाकर आपको गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट है M3M का जो कि अच्छा है, रेजिडेंशियल है, अच्छा लैंड बैंक के साथ यानी कि 55 एकड़ के आसपास में लैंड बैंक है जिसमें 2.5 BHK 3.5 BHK एंड 4.5 BHK का कॉन्सेप्ट है। उसमें भी कोई उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आने वाले टाइम में इस लोकेशन पे भी एक अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में जो आप लैंड बैंक देख रहे हैं सेक्टर 77 DLF दिल्ली लैंड फाइनेंस, इनका लैंड बैंक है। इन्होंने 25 एकड़ में अभी फ्लोर ला रहे हैं जो कि जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। प्री लॉन्चिंग पे चीज़ें चल रही हैं। UI दे सकते हैं आप, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि रेडा आने से पहले बहुत सारी चीज़ ऑन YouTube पे डिस्क्लोज करना ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ी है और कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं। अंदर आप जाकर जो आप अगर घूमना चाहते हैं तो यहाँ का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। सामने न्यू SPR रोड से जो रोड आती है नियर बाई विजिनिटी में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट। ये रही रोड कनेक्टिविटी। अब यहाँ से जो लेफ्ट साइड में जो सेक्टर है 77 है जो कि DLF यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला रहा है जो कि प्री लॉन्च पे है। लैंड भी देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग हो चुके हैं तो यहाँ जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएंगे। आगे चलने के बाद इंडोर का प्रोजेक्ट है तो बेटर कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट साइड में जो सेक्टर है 76 सेक्टर, काफ़ी बड़ा सेक्टर है और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे। यहाँ से चलने के बाद आगे एडोर का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल है, उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने जो प्रोजेक्ट दिख रहा है MR का प्रोजेक्ट है और पेटर एक कॉन्सेप्ट पाम हिल्स करके प्रोजेक्ट है MR का। ये रोड की भी फिनिशिंग है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे। ये लैंड बैंक रहा DLF का और उस साइड आप सेक्टर जाते हैं तो 79 B जहाँ पे M3M का प्रोजेक्ट है। सामने आपको रह जाएगा स्टक प्रोजेक्ट है और ये लैंड बैंक देख सकते हैं हाईलाइट में तो जल्द से जल्द ये लॉन्च करेंगे। DLF अभी चीज़ें प्री लॉन्चिंग पे है, आप UI चाहें तो दे सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे। बाकी DLF में एक्चुअली होता क्या है कि यूनिट का बहुत पंगा होता है तो प्री लॉन्चिंग में इनकी चीज़ें मोस्टली सोल्ड आउट हो जाती है। तो एक अच्छा लैंड बैंक के साथ DLF यहाँ पे आपके लिए फ्लोर ला रहे हैं और एक एक चीज़ पर आप ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। सामने यहाँ से मैं आप स्ट्रीट चलता हूँ, व्हीकल मूवमेंट इस लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो आपको टोल देखने को मिलेंगे NH8 पे बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जैसे ट्रक वगैरह है तो टोल बचाने के लिए भी रूट डाइवर्ट कर लेते हैं। वैसे भी यहां पे व्हीकल मूवमेंट अगर टोल को छोड़ा जाए तो ठीक ठाक है और आने वाले टाइम में गोल्फ कोर्स का जो फेस वैल्यू है जो जिस तरह का गोल्फ कोर्स का आज के डेट में गुड़गांव के मार्केट में जो हाइप है सेम वो कॉन्सेप्ट यहाँ होने वाला है और जो गोल्फ कोर्स का हाइप है वो साइबर सिटी की तरह हो जाएगा। साइबर सिटी अलग लेवल पे जाने वाली है तो सेकंड साइबर सिटी इधर ही आने वाला है तो आपको एक बेटर अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये डेवलपमेंट देख सकते हैं, आगे एडोर का भी प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी UI आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑन कॉल आप ही डिस्कस कर सकते हैं। बाकी गुड़गांव के अंदर आप किसी भी लोकेशन पे आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल शॉप चाहिए या प्लॉट्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर पे। और ये एडोर का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रीट चलने के बाद हयात होटल है। सामने MR का प्रोजेक्ट है, बेटर कॉन्सेप्ट MR का रेजिडेंशियल है, काफ़ी पुराना है
और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आगे जाकर एन एच पे इसकी कनेक्टिविटी है। उसके बाद न्यू गुड़गांव के लिए वहाँ से जा सकते हैं, उसके बाद नहीं तो आप चाहें तो मानेसर के लिए भी निकल सकते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से सामने आया, होटल है ये भी, आप यहाँ का डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो एक बेटर व्यू है आने वाले टाइम में, यहाँ पे अप्रिसिएशन लेवल भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आज के डेट में यहाँ पे अगर देखें तो एम3 गोल्फ हिल्स में जो रेट चल रहा है BSP 10,500 के आसपास रेट चल रहा है, और इंक्लूसिव यहाँ 12,000 के आसपास रेट आते हैं। बाकी चीज़ ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे M3M का और भी प्रोजेक्ट है, जैसे अंतालिया हिल्स है, लोडाइस है, उसके बाद DLF का प्रोडक्ट है, वाइट लैंड का लोडाइस है, हाई राइज है। वाइट लैंड पे मैंने वीडियो क्रिएट किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अंतालिया की भी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फुल SPR रोड आपको ड्रोन शॉट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस पे भी एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूजर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो आप गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं या मेरी पूरी टीम इसमें आपकी पूरी सहायता करेगी। और ये रहा आपको व्यू MR के फ्रंट से, और सामने रहा NH8। इसके बाद आपको NH8 का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो डेवलपमेंट भी यहाँ पे बेटर है, और डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन में आप अगर लेते हैं, 5 साल का रेडा आता है, 3 साल के अंदर आपको कोई भी बिल्डर 3-3.5 साल कमिटमेंट कर रहे हैं। और ये व्यू देख सकते हैं MR का, तो 3 साल के अंदर जो एप्रिसिएशन लेवल आएगा वो अच्छे खास से आपको एप्रिसिएशन दे के यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टी। तो आप चाहें तो आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, और व्यू देख सकते हैं NH8 का। बाकी द्वारका एक्सप्रेसवे भी आज के डेट में बेस्ट ऑप्शन है गुड़गांव रियल एस्टेट के मार्केट में। उसके बाद न्यू गुड़गांव में भी अलग अलग प्रोजेक्ट है, जैसा कि सिग्नेचर है, SS है, SS ग्रुप का भी प्री लॉन्चिंग पे कुछ चीज़ें हैं, बाकी SS कैलिंडन है, SS लीफ है, और भी प्रोजेक्ट है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पर्टिकुलर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर कॉन्टेक्ट कर डिस्कस करें, फिर ऑन कॉल प्रायोरिटी लेकर फिर आप साइड विजिट शेड्यूल करें, फिर उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये रहा NH8 का व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा व्यू NH8 का, और कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल रहा है NH8 का। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो इस पे भी व्हीकल मूवमेंट NH8 पे काफ़ी ज़्यादा है। सामने आपको टोल भी दिख रहा होगा, जो कि ये टोल जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट के अल्टीमेटम भी आई थी, और इस पे काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। उसके बाद द्वारका स्पेशल पे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे एक टोल आने वाले NHI के, इसका भी रोड का NH8 का जो चौड़ीकरण है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि कमर्शियल प्लॉट्स भी है, और इस गेटवे करके है, और इसका मार्केट भी है 89 में, तो उसको भी आप अगर चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर गुड़गांव का रियल एस्टेट के मार्केट में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हिंद एसेट ग्रुप का। बाकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑल राइट गाइज, कुछ इस तरह का रहा सेगमेंट्स। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट रियल एस्टेट के बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।